जो मेन चक्रास है सात, वो है रूट, जो यहाँ नीचे रेड है, नीचे से ऊपर चलिएगा प्लीज, सब लोग यहाँ देखिएगा, रूट चक्रा है, ठीक है, जिसको हम मूलाधार भी कहते हैं। फिर हमारा है सेक्रल चक्रा, जिसे हम स्वाधिष्ठान कहते हैं, उसके ऊपर आता है येलो कलर का जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, ठीक है, जिसे हम मणिपुर चक्रा कहते हैं। फिर आता है हमारा हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर का, जिसे हम अनहता चक्र कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा, जो यहाँ थ्रोट में होता है, जिसे हम विशुद्धि कहते हैं। उसके ऊपर होता है अजना चक्र, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। और सबसे ऊपर जहां पर आप यहाँ ऐसे हाथ लगाओगे, अच्छा आप लोगों को याद है जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ये पार्ट काफी सॉफ्ट होता है, व्हाई इट इज सो, दैट इज द सहस्त्रार चक्र का वो पॉइंट होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि उसको जोर से नहीं लगनी चाहिए, उसको सिर पे मत मारो, यहाँ पर स्पेशली मत मारो, थपकी भी देनी है तो यहाँ पर मत दो, बिकॉज उस वक्त उसका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअली होता है, उसके पास लाइफ से होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिर्फ बड़े लोग कहते हैं, लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाए आज तक कि ये क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है ना, क्यों करें हम, क्यों नहीं करें, बट इनको कभी समझने की कोशिश नहीं की है। तो ये यही रीजन है कि यहाँ से कनेक्शंस होती है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद आते हैं दो मेन गुरु चक्रास। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट से बताऊंगी, द कलर वुड बी, बताइए कौन सा कलर लिया जाए, अलग ही लेते हैं थोड़ा। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, अगर मेरा ये कर्सर देख रहे हैं, प्लस साइन दिख रहा है सबको, यस मैम। ओके। अभी अगर मैं यहाँ पर ये आपके बालों की जो रेखा होती है, यहाँ से बाल शुरू होते हैं हमारे जनरली, ठीक है ना, यहाँ से बाल शुरू होते हैं, जहां पर आप हेयर लाइन होती है, जहां पे टच करते हो ना, जहां पर हेयर लाइन शुरू होती है, ये पॉइंट, ठीक है। तो एक चक्र यहाँ होता है, उसको आप कहते हैं भ्रुकुटी, तो सबसे नीचे यहाँ दिया हुआ है सेकेंड लास्ट भ्रुकुटी, ओके। और उसके और थर्ड आई के बीच में यहाँ पर करूं क्या आपको, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करती हूँ तो मे भी शायद आप लोगों को समझेगा। ओके, अभी ये पिक्चर अच्छे से ज्यादा क्लियर है, यस। अभी देखिएगा, ये आपके बाल आ गए, ठीक है, यहां तक आपका ये बाल का आ जाता है। उसके बाद ये हेयर रूट जो है यहां पर, ये आपका हो गया भ्रुकुटी चक्र, है ना। और उसके और यहां पर उसके बाद आता है आपका त्रिकुटी, ठीक है। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो ये दोनों लिख लीजिए, याद नहीं रहता है, भ्रुकुटी और त्रिकुटी, ये दो इसमें मेन होते हैं गुरु चक्रास, ठीक है। इसके बाद हम नाड़ियां भी देखेंगे, किस तरह से नाड़ियां होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चक्रास हैं, आपको इनकी प्लेसमेंट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि हुंकारा विद हलीम में ये आपको काम आएंगे। सबको क्लियर हो गया यहाँ पर, शुड आई रिमूव यस इट, यस मैम, यस ग्रेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ओके फाइन, चलिए। तो ये दोनों चक्रास आपको क्लियर हो गए कि हमारे सात की जगह नौ चक्रास हैं, ये होते हैं एक्चुअली। चक्रास जो है वो 114 होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, बट जो जिस भी मोडेलिटी पे जिस चीज की रेलिवेंस है हम उसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लामा फेरा में जैसे हम सेवन चक्रास पे ही काम करते हैं, हुंकारा विद हलीम में हम नाइन चक्रास पे काम करते हैं। सेवन चक्रास के अलावा दो गुरु चक्रास हैं जो है भ्रकुटी और त्रिकुटी। फाइन, ये क्लियर हो गया यहां तक? ग्रेट, यस। चलिए।